अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक है। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे, हाउ टू बी अ टीचर इन कनाडा। ये इनफैक्ट पार्ट टू है फ्रेंड्स। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो थी ओसीटी पार्ट वन, जिसमें हमने जिक्र किया था कि हाउ टू बी अ टीचर। स्पेशली हमने फोकस किया था ओंटारियो को, और मैंने इसमें जिक्र किया था कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जिक्र करेंगे जो कि इंटरनेशनली एजुकेटेड टीचर्स हैं, और उसमें स्पेशली मेरे ऐसे बहन भाई जिनका पाकिस्तान से एजुकेशनल बैकग्राउंड है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चले वीडियो शुरू करने से पहले मेरे ऐसे तमाम दोस्त जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त उन तक पहुँच सके। तो चले फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि ओसीटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, और स्पेशली ऐसे मेरे बहन भाई जिन्होंने पाकिस्तान से एजुकेशन हासिल की है या इंटरनेशनली जो एजुकेटेड टीचर्स हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो इस तरह है कि मैं अब स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि स्पेशली इस बैकग्राउंड के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट हैं जो कि आपको चाहिए टू बी अ टीचर इन कैनेडा। स्टार्ट करते हैं कि वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं हाउ टू बी अ टीचर इन ओंटारियो एंड पर्टिकुलरली इन कैनेडा। तो उसके लिए आपको कुछ फॉलो करने पड़ते हैं स्टेप्स, और जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है वो उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ती है। और ये जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, यू नीड टू चूज वन ऑफ देम, ठीक है। कोई भी इनमें से एक जो स्टेप है वो आप चूज करेंगे ताकि आप अपनी जो कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकें और एक कामयाब टीचर बन सकें कैनेडा में। तो चले इसका आगाज। अच्छा, करते इसमें हैं। जो डिग्री ट्रांसक्रिप्ट है उसमें आ जाता है कि ऑप्शन नंबर वन, प्लीज हैव HEC अटेस्ट एंड सेंड कॉपीज ऑफ योर डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट और रिजल्ट कार्ड डायरेक्टली टू द कॉलेज। कॉलेज मीन जो ओसीटी कॉलेज है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट उसमें आ जाता है कन्फर्म द अटेस्टेशन ऑन देयर वेबसाइट, यानी वो डायरेक्टली कॉलेज को अटेस्ट करके आपकी डिग्री या सर्टिफिकेट रिजल्ट का जो भी आपने उन्हें दिए हैं अटेस्ट करने के लिए वो डायरेक्टली ओसीटी को भेजिए। वो अटेस्ट कर रहे हैं उसकी अटेस्टेशन अपनी वेबसाइट पर वेरीफाई करें, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर टू आ जाता है, यू कैन कॉन्टेक्ट द इंस्टीट्यूशन यू अटेंडेड एंड आस्क देम टू सेंड योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट डायरेक्टली टू द कॉलेज। इस तरह होता है कि जो जिस इदारे से आपने यानी तालीम हासिल की होती है आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि काइंडली आप मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डायरेक्टली आप ओसीटी को भेज दें। तो ये भी ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर थ्री पे आ जाता है WES, जो कि बनता है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस। आप डायरेक्टली इनको भी अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेज सकते हैं अटेस्ट यानी करवाने के लिए, और इनको भेजने के लिए आपका यानी आप नहीं भेज सकते, आई मीन टू से कि आपका जो भी इंस्टीट्यूशन है जहां से आपने एजुकेशन हासिल की है वो डायरेक्टली भेजेगा WES को, और WES को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो इसकी कॉपी ओसीटी को भेज दे, ये भी एक्सेप्टेबल है उनके लिए, ठीक है। ये तीन ऑप्शन है, तो कोई भी इनमें से एक अगर आप ऑप्शन यानी इस्तेमाल करते हैं तो वो उनके लिए एक्सेप्टेबल है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है टीचर्स एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट, द डॉक्यूमेंट्स यू सेंड टू द कॉलेज मस्ट कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसमें यानी आगे फिर उन्होंने डिफरेंट उसकी जो है रिक्वायरमेंट्स वो स्टेप बाय स्टेप बताई हैं। नंबर वन पे है द आवर्स ऑफ स्टडी एंड ग्रेड्स फॉर ईच कोर्स अकॉर्डिंग टू ईच टर्म एंड ईयर ऑफ स्टडी, ठीक है, ये है नंबर वन उनकी। नंबर टू पे आ जाता है द नेम ऑफ द डिग्री क्रीडेंशियल ऑब्टेंड, के डिग्री का नाम या जो भी आपने क्रीडेंशियल ऑब्टेंड किए हैं वो उसमें स्पेसिफिकली बयान किया। अच्छा, नंबर थ्री पे आ जाता है द डेट ऑफ द डिग्री और क्रीडेंशियल वॉज ग्रांटेड, कि आपको डिग्री कब इशू की गई है या आपको जब क्रीडेंशियल कब ग्रांट किए गए हैं, ठीक है, इनकी डेट्स होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद नंबर फोर पे आ जाता है द लेंथ ऑफ प्रैक्टिकम इन आवर्स डेज और वीक्स, और नंबर फाइव पे आ जाता है द स्पेसिफिक सब्जेक्ट फॉर विच यू कंप्लीटेड कोर्सेज इन टीचिंग मेथड्स, यानी जिस भी स्पेसिफिक आपने उसमें किया है सब्जेक्ट में, तो
उसको भी आपको मेंशन करना जरूरी है, ठीक है, ये भी उनकी वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि ये कैसे सेंड करने हैं, तो इसकी सेम वही रिक्वायरमेंट है जैसे आपने अपनी डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट सेंड करनी थी। यानी कि आप फर्स्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आप HEC के जरिए अपने डॉक्यूमेंट्स उनको भेजेंगे, उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अटेस्ट करके कॉपीज जो हैं OCT को भेज दें और अपनी वेबसाइट पे उसकी अटेस्टेशन है वो मेंशन कर दें ताकि OCT वहां से इसको वेरीफाई कर सके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड वही कि आप अपने जिस इंस्टीट्यूशन से आपने ग्रेजुएशन की है या तालीम हासिल की है आप उससे रिक्वेस्ट करें वो डायरेक्टली OCT को भेज दें अटेस्ट करके, ठीक है, वो भी एक्सेप्टेबल है। और नंबर थ्री सेम जैसे मैंने पहले ही उसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि WES के जरिए वर्ल्ड एजुकेशन जो सर्विसेज है उसके जरिए वो भी एक्सेप्टेबल है उनके लिए, ठीक है। ये सेम तीन मेथड इसके लिए भी वैसे इस्तेमाल किए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि इसकी चेकलिस्ट क्या है, क्योंकि जो भी आपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं उसके साथ ये चेकलिस्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो चेकलिस्ट ये है, नंबर वन पे आ जाता है क्रिमिनल रैकेट चेक, तो ये बहुत ही जरूरी है, बिलीव करें, या छोटे से छोटा भी कोई काम करना ना तो क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक लाजमी करवाते हैं, वो ये मेक श्योर करते हैं कि ये बंदा हमारी सोसाइटी के लिए सेफ है, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है। तो ये तो फिर इतनी इंपॉर्टेंट जॉब है तो इसके लिए तो ये मस्ट है, तो ये अंडरस्टूड है। अच्छा, नंबर दो पे आ जाता है डिग्री ट्रांसक्रिप्ट चेकलिस्ट, जो भी मैंने उसकी चेकलिस्ट बताई है वो सारी नंबर सेकंड पे आ जाती है। नंबर थ्री पे आ जाता है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, ये मेनली होता है फॉर टेक टीचर्स, ठीक है। नंबर चार पे आ जाता है टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम ट्रांसक्रिप्ट चेकलिस्ट, ठीक है, ये भी उनकी रिक्वायरमेंट है। नंबर पांच पे आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडिंग चेकलिस्ट, ये भी उनकी एक बहुत अहम रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स, ये चंद उनकी अहम रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने अपनी डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट के साथ और बाकी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजनी है। तो ये भी यू मस्ट आल्सो नीड टू मेक श्योर दिस चेकलिस्ट अलॉन्ग विद दिस डॉक्यूमेंट्स। आगे चलते हैं तो उसमें वो भी बताते हैं कि कॉलेज विल प्रोसेस योर एप्लीकेशन व्हेन यू अप्लाइड एंड सबमिटेड कंप्लीट एप्लीकेशन विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन फीस, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड उनको इंफॉर्मेशन चाहिए या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके साथ जब आप एप्लीकेबल फी उनको वो भी यानी पे कर देते हैं तो फिर वो आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। वो एवेल्यूएट अपने उस प्रोसेस के तहत करते हैं, वो किसी की एवेल्यूएशन नहीं मानते, ठीक है, तो उन्होंने खुद ही ये यानी डिसाइड करना होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि प्लीज प्रोवाइड एक्यूरेट फुल इंफॉर्मेशन इन योर एप्लीकेशन, प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू द कॉलेज इज कंसिडर्ड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि अगर कोई भी बंदा इसका यानी मुर्तकिब पाया जाता है कि उसने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है तो उसके अगेंस्ट वो कार्रवाई करने के मजाज होते हैं, किसी भी किस्म की, वो पेनल्टीज लगा सकते हैं, वो रिवोक कर सकते हैं लाइसेंस, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ये उनकी जवाबदेही है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप उनको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दें, डेट्स मिसमैच नहीं होनी चाहिए, यानी एप्लीकेशन में आप कुछ लिख रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स पे कुछ हैं तो इससे भी आपका जो प्रोसेस है वो डिले हो सकता है। इसके बाद है कि विद इन 10 बिजनेस डेज यू विल बी एबल टू रिटर्न टू दिस साइट एंड लॉग इन टू योर एप्लीकेशन फॉर अ प्रोग्रेस अपडेट, यानी 10 दिन के अंदर फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप जाकर अपनी एप्लीकेशन में साइन इन करें यानी लॉग इन करें और चेक कर सकते हैं जो भी अपडेट्स वहां पे मौजूद होती हैं। अच्छा, वो अपडेट्स क्या होती हैं, उसमें एक तो होता है कि जो के चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं वहां पे, ए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू ऑलरेडी प्रोवाइडेड, जो आपने ऑलरेडी दी होती हैं वो भी वहां पे आप देख सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में कि वो लिस्ट मौजूद है। फिर नेक्स्ट होता है ए लिस्ट ऑफ मिसिंग डॉक्यूमेंट्स इफ एप्लीकेबल, यानी अगर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपने वहां जमा कराने थे मगर नहीं करवा सके वो भी वहां मेंशन होते हैं, ठीक है। फिर अगर कोई प्रोसेस में कोई डिले है फॉर सम रीजन वो भी वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि अगर आप इस चीज को रेक्टिफाई कर दें, ये चीजें प्रोवाइड कर दें तो देन वी विल स्टार्ट प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता चलूं, ओंटारियो कोर्ट ऑफ अपील रीइंस्टेट MPT जो कि बनता है मैथ प्रोफिशिएंसी टेस्ट
एज टीचिंग सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट एज ऑन नवंबर 28, 2023। चलो जी, मुबारक हो। तो उन्होंने ये 28 नवंबर 2023 को इसको दोबारा यानी रीइंस्टेट कर दिया है एज ए रिक्वायरमेंट फॉर ओसीटी टीचर्स। ठीक है, तो ये भी यू नीड टू मस्ट मीट दिस रिक्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फॉर एग्जांपल, ये हम क्योंकि हम थ्रू आउट डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनली एजुकेटेड जो हैं टीचर्स उनके लिए। इसके बाद वो कहते हैं कि आपको अगर अपने इंस्टीट्यूशन से कोई मसला हो रहा है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं भेज रहे या किसी वाले हमें नहीं भेज रहे, क्योंकि हर मुल्क के अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करने के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वहाँ के मुकामी, तो कहते हैं अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला हो रहा है तो आप एक कंसेंट लेटर भेज सकते हैं हमें। वो किसको, यानी कि आपने करना है वो आपने एड्रेस करना है टू डायरेक्टर ऑफ द कॉलेज मेंबरशिप सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, उन्हें आपने एड्रेस करना है और ये आप बाई मेल भेज सकते हैं और बाई फैक्स, ये ईमेल वगैरह नहीं वो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें आप उन्हें कंसेंट कर रहे हैं कि ऑन योर बिहाफ यू कैन कॉन्टैक्ट देम एंड आस्क देम अबाउट योर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ईमेल वगैरह वो नहीं मानेंगे। आप उनको मेल सेंड करें अपना कंसेंट लेटर विद योर सिग्नेचर्स और या फैक्स करें उनको अपना कंसेंट लेटर, फिर वो एक्सेप्ट करेंगे इसको। अच्छा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज कि आपको कब अप्लाई करना चाहिए, तो इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं, एज सून एज पॉसिबल, जब आप समझते हैं कि आपके पास सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो उन्हें चाहिए वो आपके पास मौजूद है, तो एज सून एज पॉसिबल आप अप्लाई कर दें अल्लाह का नाम लेके। आप इवन पाकिस्तान से बैठ के भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, तो इसलिए इस चीज़ का कोई नहीं है कि आपने कब अप्लाई करना है कब नहीं करना। वो कहते हैं कि जब आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का मकसद है ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफेशन है, बहुत ही अमेजिंग यानी जॉब है विद लॉट ऑफ बेनिफिट्स, और लोग विश करते हैं कि अगर उन्हें ये जॉब मिल जाए। तो मैंने कहा चले अपने बहन भाइयों को थोड़ा सा अपडेट किया जाए कि वो इस तरह की अच्छी जॉब्स के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं। द ऑल दे नीड टू डू मीट दीज रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोवाइड देम द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन and submit your documents and then you are good to go. और अल्लाह का नाम लें, मेहनत करें, अल्लाह पे भरोसा रखें और हमेशा अच्छे के लिए कोशिश करते रहें। तो मैंने कहा चले अपने बहन भाइयों को थोड़ा सा अपडेट करें कि वो अच्छी वाइट कॉलर जॉब्स के लिए भी एलिजिबल हैं, अगर वो एक प्रॉपर तरीके से और पूरी अवेयरनेस के साथ उसके लिए कोशिश करते हैं। अच्छा, एंड में मैं कुछ सवालों का जवाब देता चलूं जो कि लोग कमेंट्स में पूछते हैं। तो एक सवाल वहाँ पूछा गया था कि अगर एक यानी फैमिली यहाँ आती है और वो रिफ्यूजी असाइलम करती है तो उनको कितनी अमाउंट दरकार होगी रिफ्यूजी असाइलम के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको किसी किस्म की एक पैनी भी दरकार नहीं है रिफ्यूजी असाइलम के लिए। मेक श्योर, ऐसी अगर कोई कहता भी है ना तो ये गलत इन्फॉर्मेशन, आपको एक पैनी भी नहीं चाहिए। ठीक, ऑल यू नीड योर आईडीज एंड योर वैलिड पासपोर्ट विद योर वैलिड वीज़ा। ठीक है, आप उस वैलिड वीज़े के साथ आएँ, आपने एयरपोर्ट पे करना है वहाँ सालम करें, आपने इनसाइड करना वहाँ करें, आपकी मर्जी है। अच्छा, दूसरा उन्होंने पूछा था कि हमें कोई उस आने से पहले कोई लॉयर तो नहीं हायर करना चाहिए ताकि मेक श्योर करें कि हमारा इजीली हो जाए सालम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप आराम से आए यार, अगर आपने करना है तो ये उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि असाइलम के लिए आपका लॉयर का वहाँ होना जरूरी है। नो, द ऑल यू नीड, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी आई डीज हों, आपके पासपोर्ट हों वैलिड। ठीक है, आप वहाँ प्रूफ कर सकें कि यार आप ये आपकी आई डीज हैं, ये आपके पासपोर्ट हैं और आप इस पर्पज के लिए आए हैं। ठीक है, बाकी प्रूफ तो खैर बाद में हियरिंग में करना, आई नीड टू से प्रूफ कि आप अपना आप प्रूफ कर सकें ये मेरी आई डी और मैं यही बनता हूँ। ठीक है ना, तो वो आप एयरपोर्ट पर बस इतना आपको रिक्वायर्ड होगा अगर आपने एयरपोर्ट पर करना, अगर अंदर आके करना तो फिर भी यही चीज़ें। तो उसमें ऐसी कोई ऐसी सच बात नहीं है कि यार आपको आपका लॉयर वहाँ इंतजार कर रहा हो, आप आए वो साथ ले, ऐसा कुछ नहीं होता यार। इट्स वेरी सिंपल, आपको किसी पैसे की जरूरत नहीं है कि आपको किसी को पैसे देने होंगे, आपको लॉयर की फीस भरनी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया यार, वो लीगल एड ऑफर करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप लॉयर नहीं मतलब आपको मिलेगा, वो यकीनन आपको हेल्प आउट करते हैं लीगल एड के जरिए। तो इसमें इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं कि आपके पास कोई सर्टेन अमाउंट हो तभी आप आके कर सकते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो चले, ये थे चंद सवालात, मैंने कहा इनको भी जरा
क्लैरिफाई करते चलें। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चलें जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।